ये भगवान ने सामर्थ्य दिया, एक घंटे में आज भी मैं 100 श्लोक बना पाता हूं एक घंटे में। मंदाकिनी पयपूर शिक्त पादाम बुझाय च नमः सीताभिरामाय चित्रकूट बिहारिणे श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे दो मित्र हैं, सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी, ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री तो मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें मित्र ही मानता हूँ और मित्र ही मानता रहूँगा। मित्रम प्रीतिर शायनम नयन। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं बहनों मित्रों बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसीपुर चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगला शासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता, वो मंगला शासन करता है। मैं सबका मंगला शासन कर रहा हूं। आज मेरे हर्ष की सीमा इसलिए नहीं है कि बंद नेत्रों से जीवन के 2 महीने बाद ही नेत्रों को खोकर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर, मोदी जी 4 साल का मैं था तब, जब मेरी चिकित्सा मुंबई में चल रही थी तो डॉक्टर ने कहा नेत्र अब नहीं ठीक हो सकेंगे। उसी समय मुरारजी देसाई के भतीजे थे अमोल जी देसाई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गुजराती जानते थे। उन्होंने कहा मुझसे मेरा पहला नाम लेकर, गिरिधर उदास मत हो, तुमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। कौन से? तो उन्होंने गुजराती का एक गीत पढ़ा, गीता रामायण मा। तो तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र, जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यद्यपि एक पुस्तक और थी पर मैंने पीएमओ को सूचित नहीं किया था उसका नहीं, जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं मित्राज, उनमें से प्रथम पुस्तक है पाणिनि अष्टाध्यायी पर वृत्तित्रयी। पाणिनि अष्टाध्यायी का मूल केवल 25 पृष्ठों में है, उस पर मैंने 3 वृत्तियां लिखी, उसका कलेवर है 9000 पृष्ठ। और मित्र सोचो, मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आँख कभी नहीं चाहिए,
और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। मित्र, दूसरी पुस्तक मेरी है श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। राष्ट्रलीला तो सभी जानते हैं, भगवान की राष्ट्रलीला कोई जानता नहीं, और लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं, पर मित्र मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं केवल शास्त्र में विश्वास करता हूँ। अभी मोदी जी ने कहा वजन घटाइए, मैंने कहा क्या करूँ, प्रतिदिन 200,000 राम नाम का जप करता हूँ, फिर लिखता पढ़ता, मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं और कुछ करूँ। अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं, 9 खंड में रामचरितमानस मुझे लिखना, इसकी व्याख्या लिखनी है। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहाँ नहीं कहूँगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। इतना कहकर मैं यह अमाइक माइक फिर संचालक को दे रहा हूं। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। अनेक धन्यवाद। अग्निमय